Assalamualaikum students, आज हम 9th physics का unit number 6 का last topic power को discuss करेंगे. Power basically क्या होती है? Power कहते को define किया जाता है rate of doing work, यानी कितने वक्त में कोई इंसान काम को complete करता है वो कहलाती है पावर. यानी पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क. इसकी एग्जांपल ऐसे है कि दो मैंने पर्संस लिए, जैसे आपकी बुक में भी एग्जांपल है, एक पर्सन ने एक ब्रिक यहाँ से यहाँ तक उस ब्रिक को उठा के गया, ठीक है, टाइम उसने कंज्यूम किया है 2 सेकेंड्स. दूसरा पर्सन वही ब्रिक उसी पॉइंट पर लेकर गया, लेकिन उसने टाइम कंज्यूम किया है 5 सेकेंड्स. अब इन दोनों की पावर, इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा होगी? डेफिनेटली उस पर्सन की पावर ज़्यादा होगी जिसने कम टाइम में जो है वर्क डन किया है. तो पावर बेसिकली होता क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी हमें बताता है कि कितने वक्त में जो है वो काम कंप्लीट हुआ गया. अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपकी स्टार्ट किया गया है. एक एग्जांपल से दो पर्सन हैं, दोनों इक्वल वर्क डन करते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था, ये दो पर्सन मैंने कंसीडर किए थे, दोनों ने इक्वल वर्क डन किया था. लेकिन फ़र्क क्या था कि एक ने कम टाइम जो है वो कंज्यूम किया था, एक ने टाइम ज़्यादा किया था. डेफिनेटली जिस पर्सन ने कम टाइम कंज्यूम किया है उसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी. द क्वांटिटी डेट टेल्स अस द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. ये डेफिनेशन पावर की है कि पावर वो एक क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि हमें रेट ऑफ डूइंग वर्क बताती है. फिर दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी है, पावर इज डिफाइन एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. सेम डेफिनेशन हैं, तो दोनों में से आप जो भी कर सकते हैं. उसके बाद इसका फार्मूला है, पावर को डिनोट किया जाता है पी से, इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. यानी वर्क डन हुआ है, टाइम टेकन जितना टाइम उसने लिया है वर्क डन में, इसको डिनोट किया जाता है वर्क डन को डब्ल्यू से, टाइम को टी से. ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इस वजह से पावर भी स्केलर क्वांटिटी है. यानी पावर जो है दो स्केलर क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके बना है, तो पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. फिर देखें पावर का यूनिट आपको बता रहे हैं. पावर का यूनिट होता है वॉट. पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वॉट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जाउल पर सेकेंड. अब किसी पर्सन की पावर 1 जाउल कैसे होगी, यानी ये जो पावर है ये 1 जाउल कैसे होगी, जब जो वर्क डन है वो भी 1 वॉट होगा, और 1 वॉट वर्क डन में टाइम भी जो कंज्यूम होगा वो 1 सेकेंड कंज्यूम होगा, देन पावर विल बी 1 वॉट. यहाँ पे मैंने सॉरी जाउल लिख दिया है, यहाँ पे पावर वॉट लिखना था. पावर विल बी 1 वॉट व्हेन 1 वॉट वर्क इज 1 जाउल ऑफ वर्क इज़ डन बाय 1 सेकेंड. देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी है, द पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वॉट. पावर 1 वॉट कब होगी? इफ़ इट डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जाउल. यानी वर्क डन कितने पे होगा, यहाँ पे मैंने जाउल लिखना था, यहाँ पे वॉट लिखना था, मैंने उलट लिख दिया था. चलिए पावर 1 वॉट है, 1 जाउल ऑफ वर्क डन होगा, टाइम 1 सेकेंड्स में होगा, देन पावर विल बी 1 वॉट. अब देखिए ये बिगर यूनिट्स ऑफ पावर आर किलो वॉट एंड मेगा वॉट. ये तो एक स्मॉलर यूनिट है, बिगर यूनिट्स में भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? किलो वॉट, 1 किलो वॉट में 1000 वॉट्स होते हैं, और 1 मेगावाट में 10^6 वॉट्स होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ दिया गया, ये तकरीबन बहुत दफ़ा आपके बोर्ड के लिए इसको इस MCQ को पिक किया गया है, हॉर्स पावर. या आपने यूनिट को इसको याद करना है, 1 हॉर्स पावर इक्वल होती है 746 वॉट के. बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये, कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं है, ये सिंपल एक शॉर्ट क्वेश्चन है. इसमें डेफिनेशन आपसे पूछेंगे, फिर उस डिफाइन लिखेंगे व्हाट इज़ पावर या डिफाइन पावर, उसमें आपने डेफिनेशन लिख देनी होगी, फार्मूला लिख देना, बता देना कि ये स्केलर क्वांटिटी है. फिर उसके बाद वॉट की डेफिनेशन पूछेंगे तो ये लिख देनी है, फिर आपने बता देना है कि ये यूनिट्स हैं. अब इसको समराइज़ करते हैं. समरी इसकी क्या है? पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है. फार्मूला बनता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. फिर 1 वॉट, वॉट इसका यूनिट है. 1 वॉट क्या होता है? जब 1 जाउल ऑफ वर्क डन होगा 1 सेकेंड के अंदर, देन पावर विल बी 1 वॉट, ठीक है. यहाँ पे ये है. फिर इसके बिगर यूनिट्स हैं किलो वॉट, मेगा वॉट, और ये लास्ट में MCQ आपने लास्ट में आता है.